हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम 8 बजे के आसपास हम तीनों भाई निकल चुके हैं। मैं, ये रहा हितू और ये सर। तो आज हितू का ना वो है ड्राइविंग टेस्ट है इसका, इसलिए हमारे पास इसका वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, वो हाँ लर्निंग है। और आज इसका टेस्ट है, आप देखते हैं कितना दूध और कितना पानी में आता है। अब हमें काफी ज्यादा परेशान करता है जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तब काफी ज्यादा बोलता है यार ऐसे मत चलाओ, ऐसे क्या कर रहे हो, देखो सामने गाड़ी रही है, ब्रेक मारो। आज देखते हैं इसका ये कितने बाबा जी करता है ना, सब ठीक हो जाएगा इसका भी, जो उसके अंदर 8 बनाना पड़ेगा। और दोनों टेस्ट है इसके, मतलब 2 व्हीलर का भी है और 4 व्हीलर का भी है, दोनों का है। अब पता नहीं कितना दिन लगेगा, मेरे ख्याल से जब हम पिछली बार मयंक के उसमें गए थे ना, तो मयंक में हमें लग गया था, हम शाम सुबह गए थे इसी टाइम पे और शाम को आ गए थे। चलो भाई फाइनली पहुंच गए, ये ना ये पहले मयंक का भी यहीं पे हुआ था, कच्ची हुई है भाई। हितू को तो अंदर भेज दिया, मतलब गाड़ी पार्क कर दी अंदर, अब उसका टेस्ट होगा। अभी तो पहले स्क्रीनिंग हो रही है उसकी, देखने के लिए कि मतलब रोड पे कैसे चलानी है, फिर उसके बाद देखते क्या क्या उखाड़ता है। ये देखो भाई, ये है यहाँ का ट्रैक, एक तो ये है, सामने जो है ना, क्या नाम है, ये वाला, अबे कहाँ उंगली मेरी, ये 8 बनाना है और वहाँ से उधर सामने से लेके आना है, इधर यहाँ पे पार्क करनी है और ये पुल है ना यहाँ पे खड़ी कर देना है, जब ग्रीन लाइट होगी उसके बाद, मतलब उसके बाद वापस आगे लेके जानी। इसमें ये है कि पीछे नहीं आनी चाहिए गाड़ी। अब ये 3-4 ट्रैक बने हुए इसके अंदर, अब पता नहीं कहाँ पे है वो। अच्छा, यहाँ से बैक करने के लिए, लेके आने के लिए है। तो यहाँ खड़ी करो और बैक कर लो, वहाँ पे बैक करेगा ये, और यहाँ से फ्रंट में लेके आएगा यहाँ पे, ये ऑफिस के सामने सही काट ले। अभी ज़्यादा वहाँ से काट रहा है। हाँ यार, उस साइड से काट रहा है थोड़ा सा। अबे फुटपाथ पे चढ़ाएगा क्या? क्या तूने कैमरा लगा रखा, वो तो सही है। देखो बैक कटिंग प्रैक्टिस तो है ना इसको। हाँ, कब कराई आपके सामने? ठीक है ले आए, गुड बॉय, बढ़िया। तो इनको अभी लगाने की स्कूटी यहाँ पर। लाल बत्ती है भी, जैसे हरी होगी ना फिर उसके बाद जाएगा, खड़ी कर दी, अब जाएगा ग्रीन लाइट पे। हाँ, अबे घबराहट में बाहर निकाल रहा है, बाहर का निकालो सही तो है। अरे मतलब ये बत्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है खराब है। नहीं, 8 बनाना है ना। अरे हाथ भी ले गए, पहले टेस्ट में तो ये फेल हो गया यार, इसने ना पूरी पीछे नहीं करी गाड़ी, मेरे ख्याल से ये उधर फुटपाथ की है, जब ये वीडियो बनाई थी ना इसने वहाँ टच कर दी, ये एक ना लाइन बनी हुई पीछे यहाँ पे, वो कह रहा उसने पूरी पूरी पीछे करनी थी, तब जाके होती वो, इसने आधी में रोक दी फुटपाथ के यहाँ पे, एक टायर का आता था फुटपाथ भी चला गया 10 साल का था। अब अभी अंदर गया है, अभी पूछते हैं मतलब करेक्ट वे में कि मतलब कैसे कैसे फेल हुआ है, वो स्कूटर में तो हो जाएगा, स्कूटर में तो हो जाएगा यार। यहाँ पे ना राड़ा, ये मयंक भी आया था वही फेल हो गया था, ये हितू आया ये भी हो गया, पता नहीं पैसे देने पड़ेंगे। अरे मैं बहुत महंगा यार भाई, ये था ये ना, ये वाली लाइन, ये पूरा यहाँ पीछे आना था, किसको जाकर फेल नहीं होता, वरना लाइन से पूरा पीछे आ जाता ना तो जो पास हो जाता, अब फेल हो गया। कितने कितने पैसे वेस्ट हो गए, 900 रुपये, 900 हज़ार चल। अब 2 व्हीलर का बना रहा है ये यार, कोई दिक्कत ही है यहाँ पे, गलती मान नहीं रहा अपनी है, गलती नहीं मान रहा अपनी वो भी। लेकिन यहाँ पे ना हर कोई ऐसे भी है कि हाँ कोई बिल्कुल खुले तरीके से नहीं बताता, ऐसा लगता है मेरे को, जाने की फेल है फिर मैं इनको आ गया। ये रहा ये, उसमें स्कूटी वाले टेस्ट में पास हो गया है, इसकी गलती है, मतलब इसको सुनना चाहिए था ना, अब क्या गलत है, फेल हो गया ना इसलिए। हाँ ये तो है, ये सुनता नहीं है, झूठ बोल रहा है, अब गाड़ी चलाना छोड़ दे तू, गलती माननी आनी चाहिए यार का, तो वैसे भी नाम ही चलता कोई हर चौकी थाने में चलता। अब वापस आना पड़ेगा, 900 रुपये देने, 900 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, घर बैठे बैठे बनेगा जो बनेगा, साढ़े पैसे है तेरे पास, क्या कह रहा घर बैठे बैठे बनेगा, मैं नहीं आ रहा हूँ गाइस, को बोल दो 6500 रुपये भेज देंगे। अरे भाई आपसे ना एलिस भाई को सपोर्ट कर लेना। तो भाई ये मतलब 2 व्हीलर के उसमें तो पास हो गया, और अब जो भी है अब अगली बार जिसका टेस्ट होगा इसमें 4 व्हीलर का, उसके तब देंगे, अभी तो फिलहाल घर जा रहे हैं अपन, कागज जमा करा दिया, घर पे आएगा कितने महीने में आएगा वैसे वो, छः एक महीना तो मैक्सिमम होता है इसका, वैसे तो 6 दिन में आया था,
चलो भाई कम से कम टू व्हीलर का लाइसेंस आ जाएगा। वैसे तो जरूरत है यार, जरूरत क्या है, स्कूटी स्कूटी चला तो कौन लाइसेंस देखता है, कोई नहीं देखता, हेलमेट पहन के चला आराम से। गाड़ी में तो है भाई, गाड़ी में तो कोई कोई पकड़ भी लेते हैं, उसमें क्या है, स्कूटी भी नहीं पकड़ते, घंटा क्या पकड़ते हैं यार, हेलमेट पहन के चलो कोई कोई नहीं रुकता, गाड़ी को कोई देख के उन्हें पैसे मांगने की कोशिश करता है, इसकी वजह से होता है। कहाँ गया अपना लेफ्ट ले, मानता तो मैं भी हूँ कि जैसे ये आसान नहीं है काफी, कि कभी आर्ट बनाना है, कभी पुल ऊपर ऊपर जाके रोकना है, काफी सारे टेस्ट है, हर छोटी छोटी मतलब जो वो थी ना दिक्कत उसको भी देखता है। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई ना तुमने, मतलब सीट बेल्ट उसी टाइम वो कर देता है, क्या नाम है, कैंसिल कर देता है, आ जाओ बाहर आ जाओ फटाफट, लाल बत्ती का देखते हैं, इंडिकेटर वगैरह का देखते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे बढ़िया था। अब चल ले भाई, हमने ना 2000 रुपये दिए थे, मैंने और यश ने दिए थे 2000 रुपये, हम ना सिर्फ मतलब स्कूटी ले गए थे, सिर्फ गाड़ी का बनवाना था, हमें स्कूटी ले गए थे, हमने क्या करा, आगे गए बस लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, आगे से घुमा के स्कूटी वहीं वापस खड़ी कर दी, बोला चलो वही बन गया तुम्हारा, हो गया घर पे आ गया कुछ हफ्ते बाद। लेकिन अब लेटेस्ट वाले अब जो चल रहा है ना अभी, अब इनमें तो यही जाना पड़ रहा है, यहाँ पे बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे दलाली वगैरह में। तो हाँ भाई मुझे पता है लोग छोटा बनाए सिस्टम है भाई, अगला वाला बड़ा बना देंगे, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।